So my dear students, open the textbook page number 38. Multiplication of a number by 100, 1000 and 10,000. While multiplying a number by 100, insert two zeros to the right of the number. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया student, अगर आप कोई भी number को 100 से multiply करते हैं, तो उस number के आगे कितने zeros लगा दो? Yes, two zero लगा दो, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? 52 into 100, तो 52 आपको as it is लिखना है, और उसके आगे two zero लिख देने हैं, हो गया multiplication. So 52 into 100 is equal to 5,200. Okay? देखो next example क्या है? 280 into 100. तो 280 जीरो भी आए ना यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर आया उसमें जीरो भी आए तो एज इट इज लिख देना है 280 बाद में 100 पे कितने जीरोज है टू सो यू हैव टू इंसर्ट टू जीरोज टू द राइट ऑफ द नंबर ओके ये टू जीरोज यहाँ पे लगा दिए हैं मीन्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 280 इंटू 100 इज इक्वल टू 28,000 ओके अब देखो फोर डिजिट भी नंबर आया तो फोर डिजिट एज इट इज लिख देने हैं इंटू 100 आया तो 100 पे टू जीरोज होते हैं दैट्स वाई यू हैव टू इंसर्ट टू जीरोज ओके अब देखो नेक्स्ट व्हाइल मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 1000 इंसर्ट थ्री जीरोज टू द राइट ऑफ द नंबर अगर टू डिजिट नंबर हो थ्री डिजिट नंबर हो फोर डिजिट नंबर हो तो वो नंबर एज इट इज लिखना है और 1000 पे कितने जीरोज है थ्री तो उसके राइट हैंड साइड में आपको थ्री जीरोज लगाने हैं अब देखो ये 630 है तो आप बोलोगे यहाँ पे भी जीरो है टीचर नो प्रॉब्लम ये नंबर चेंज नहीं करना है आपको ये एज इट इज लिखना है बाद में 1000 के जीरोज का आपको देखना है कि थ्री जीरोज हमें आगे लगाने हैं ओके अब देखो व्हाइल मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 10,000 इंसर्ट फोर जीरोज टू द राइट ऑफ द नंबर अगर आप कोई भी नंबर को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट तो वो नंबर के आगे कितने जीरोज लगाने हैं फोर जीरोज लगाने हैं ओके 65 इंटू 10,000 तो 65 एज इट इज लिखा गया है बाद में फोर जीरोज लगाने हैं बाद में आपको अकॉर्डिंग टू पीरियड्स क्या करना है नंबर थ्री डिजिट्स के बाद हम क्या देते हैं कॉमा देते हैं देन टू डिजिट्स के बाद कॉमा देते हैं बाद में ये देने हैं ओके तो आपको 10,000 के मल्टीप्लीकेशन में ऐसा करना है तो आज आपको क्या करना है जो स्मार्ट मल्टीप्लीकेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो आज आपको क्या करना है जो एक्सरसाइज 3.2 दी है उसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट यही आपको सॉल्व करना है सिर्फ फर्स्ट वाला सेकेंड वाला है स्मार्ट मल्टीप्लीकेशन का हम बाद में लेंगे ओके तो अब देखो ये आपको प्रॉपरली नोटबुक में सॉल्व करना है 11 × 100 सो 11 आपको एज इट इज लिखना है 100 पे कितने जीरोज है यस टू जीरोज है दैट्स वाई यू हैव टू इंसर्ट टू जीरोज टू द राइट ऑफ द नंबर सो द आंसर इज 1100 ओके अब देखो नेक्स्ट 18 × 1000 सो फर्स्ट यू हैव टू राइट 18 देन हाउ मेनी जीरोज इन 1000 थ्री जीरोज ओके सो यू हैव टू इंसर्ट थ्री जीरोज टू द राइट ऑफ द नंबर देन 130 × 1000 तो आपको ये 130 एज इट इज लिखना है 130 देन 100 पे 1000 पे थ्री जीरोज होते ओके एंड व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ 1000 इंसर्ट थ्री जीरोज टू द राइट ऑफ द नंबर दैट्स व्हाई वी विल राइट थ्री जीरोज हियर ओके सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1,30,000 ठीक है
अब देखो यहाँ पे 10,000 का एक ही एग्जांपल है, ओके वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, 4 0 दे तो आप 4 0 दे दो। ये ए बी सी डी तो मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिया है स्टूडेंट्स, है ना। तो ये जो 8 एग्जांपल्स है रिमेनिंग, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और ये सब ए टू एल तक आपको क्या करने हैं, नोटबुक में लिखने, सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ओके ये नहीं करना है आपको, सिर्फ ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली करना है, और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने, और मल्टीप्लिकेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल है, आपको टेबल्स लर्न करने हैं 1 to 25 एटलीस्ट। अब आप 4th स्टैंडर्ड में हो तो 1 to 25 टेबल आपको आना ही चाहिए। रोज आपने एक भी टेबल लर्न किया तो भी आपके सब टेबल्स एकदम प्रॉपरली लर्न हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको टेबल्स भी लर्न करने हैं क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ओके। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।